और अब संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। कोरोना वायरस से लगातार निपटने के लिए जहां सरकार अपनी कोशिश कर रही है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की टीम अपनी कोशिश कर रही है। इसी बीच राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंची, जहाँ बच्चों के लिए अलग से स्थापित होने वाले कोविड सेंटर को लेकर नए केवल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौड़ और अधीक्षक एम के आसरी से फीडबैक लिया, बल्कि बच्चों के चिकित्सकों से भी चर्चा की। जिस तरीके से उन्होंने फुल बेंच की बैठक में डिसीजन लेने के बाद राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर को इस संबंध में निर्देशित किया था, उसके बाद में अलवर, बाड़मेर और नागौर के साथ जोधपुर के अंदर इस तरह की व्यवस्था कर दी कि यदि बच्चों को कोविड होता है तो उनका अलग से वार्ड होगा। इसी तरह ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जोधपुर में लगातार मामले सामने आने के बाद अब अलग से वार्ड स्थापित किया गया है। कुछ ऐसे भी मरीज जिनकी आंखें निकाली भी गई है। विभागाध्यक्ष है डॉक्टर भारती सोलंकी के देखरेख में लगातार काम चल रहे थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधीक्षक एम के आसेरी और मेडिकल कॉलेज से एसएस राठौर मॉनिटर कर रहे थे। वहीं लॉकडाउन की सख्त तरीके से पालना कराने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर जोश मोहन आज फिर से सड़कों पर नजर आए। जिस तरीके से महामंदिर बनाड़ के इलाके में जाकर के उन्होंने दौरा किया है, अचानक दौरा करने के साथ में हिदायत भी दी है, और साथ ही जिस तरीके से जो कुछ लोग अवहेलना कर रहे थे नियम और कानून की, उनके खिलाफ चालान बनने को लेकर जो कार्रवाई की जाती उसकी भी समीक्षा की है। कोटा संभाग से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एचआर। कोटा में दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर धरती पुत्रों के लिए साबित हुआ आफत। एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी समेत अंचल की विभिन्न मंडियों में रखा गेहूं और लहसुन समेत किसानों का हजारों बोरी माल भीगकर हुआ खराब। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एफसीआई प्रबंधन भी अब सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि किसानों का माल भीगता रहा और धरती पुत्रों को जिम्मेदार तिरपाल तक उपलब्ध नहीं करा पाए। असल में कोटा की बामाशाह कृषि उपज मंडी आज 15 दिनों के बाद खुली थी और मंडी में 40,000 बोरी आवक तो केवल गेहूं की हुई थी। आढ़तियों ने तो शुरुआत के 2-3 घंटों में ही सारी तुलाई कर ली, क्योंकि मौसम विभाग का पहले से ही मौसम खराब होने और बारिश का अलर्ट था। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदारी कर रहे एफसीआई के अधिकारी ढिलाई करके बैठे रहे और किसानों की अनुनय विनय को भी नहीं सुना। किसानों का आरोप है कि इस दौरान 2-3 घंटे तो शेड्स में जाकर के अधिकारियों ने और तुलाई कर रही टीमों ने लंच के नाम पर ही बर्बाद कर दिए, और इसी बीच में बारिश आ गई और बारिश ने व्यापक बर्बादी फैलाई। बहरहाल बारिश, लापरवाही और बर्बादी के इस मंजर से मंडी में किसानों का एक समूह भड़क गया और किसानों ने वहां मौजूद एफसीआई की तुलाई टीमों पर हमला बोल दिया। किसानों का गुस्सा देख करके मौके से कार्मिक भाग छूटे और किसानों ने अपना गुस्सा सेंटर पर रखे टेबल कुर्सियों पर निकाला। बहरहाल इस पूरे बर्बादी के इस मंजर के बाद बड़ा सवाल यही है कि जो माल किसानों का मंडी में ढेरों के रूप में पड़ा था और अब भीग चुका है, क्या एफसीआई कल उसकी तुलाई कर लेगा? भरतपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के उच्चैन थाना इलाके के बारेमाफी गांव में दो भाइयों ने की मां की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक सौतेला बेटा भी शामिल। उच्चैन थाना इलाके के बारेमाफी गांव में सौतेले बेटे के द्वारा मां की हत्या करने के मामले में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सगे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर सगे बेटे ने मां के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई। घटना से पहले सौतेले बेटे के द्वारा भी लाठियों से मारपीट की गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने के बाद सगा बेटा अपने मामा के घर चला गया, जहां मामा को सौतेले भाई के द्वारा मां की हत्या करने की बात कही, जिसके बाद मामा ने पूरा मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। डूंगरपुर जिले की पुलिस कोरोना महामारी के नियंत्रण में अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी की टीम ने एक संपूर्ण सुरक्षा नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो प्रवासियों और कोरोना संदिग्धों को होम क्वारंटीन कराने में बड़ी भूमिका निभाएगा। डूंगरपुर एसपी जोशी ने बताया कि देश भर में इन दिनों प्रवासियों के लौटने का एक और जहां सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना के होम क्वारंटीन वाले मरीजों की निगरानी भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए चिकित्सा महकमे से डाटा मिलता तो है, लेकिन उसे समय रहते संबंधित बीट कांस्टेबल, बीट प्रभारी और थानाधिकारी तक पहुंचाने में देरी हो रही है। इसके लिए संपूर्ण सुरक्षा नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसमें
चिकित्सा महकमे से आने वाली जानकारी फीड करते ही वो सभी मरीजों और प्रवासियों के निवास स्थान से जुड़े बीट कांस्टेबल से लगाकर थानाधिकारी तक कुछ ही पल में पहुंच जाए। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी यूनुस। अजमेर संभाग के नागौर जिले में ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। वहीं एक महिला और एक पुरुष को उपचार के लिए भेजा हेल्थ सेंटर। वहीं तीसरी लहर के मद्देनजर चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट, तैयारियों में जुटा। कोरोना से लड़ रहे नागौर जिले को अब नई महामारी ब्लैक फंगस ने अपना शिकार बना लिया। जहां भी इस बीमारी से जुड़े कई केस आने लगे तो इस फंगस ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। कोरोना का इलाज करा रहे लोगों में उपजे खौफ के। बीकानेर संभाग से बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला बीकानेर दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों में कांग्रेसियों ने सामाजिक सरोकार निभाया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने राजीव गांधी यूथ क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित मास्क वितरित किए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारत में संचार क्रांति का जनक बताया। तो वहीं यूथ कांग्रेस के नेता अरुण व्यास की अगुवाई में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राशन किट का वितरण किया गया। श्याम ढले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां पर मेघवाल की अगुवाई में CSR के तहत 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए। अर्जुन मेघवाल ने कहा इसका लाभ आम मरीजों को मिल पाएगा। साथ ही साथ अर्जुन मेघवाल ने शहर में हो रही पानी की किल्लत को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिसमैनेजमेंट के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बुरा हाल है। मेघवाल का कहना था कि उन्होंने सतीश पूनिया से फोन पर बात की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस समस्या को लेकर पत्र भी लिखा है। वाकई बीकानेर में जलदाय मंत्री बीकानेर के होने के बावजूद पानी के लिए खासी किल्लत हो रही है।